खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल 23 जुलाई से शुरू हो रही आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, ये जानकारी पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी। पटेल ने बताया कि उद्घाटन सत्र में पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ लेवल के पंचायत कर्मचारी मौजूद होंगे। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। पटेल ने कहा कि बड़े शहरों के आसपास प्लानिंग एरिया में प्राथमिक विकास को ठीक करने का लक्ष्य इन 3 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेंगे कि बड़े शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में विकास कैसे हो, केंद्रीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पंचायत व्यवस्था को कैसे मिले, इस विषय पर हम विमर्श करेंगे। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, जो पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही हैं, और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय जगन्नाथ सिंह जी की पुत्र वधू में आज आपसे बातचीत के लिए यह अवसर उपस्थित हुआ है। तो मैं कल से आत्मनिर्भर पंचायत इस विषय को लेकर 3 दिवसीय हमारी कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हो रही है, जिसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। पुरानी विधानसभा के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन में ये कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होगी। पहली बार जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ और जनपद के सीईओ ये उद्घाटन के सत्र में उपस्थित रहेंगे। और माननीय मंत्रीगणों से मैंने जो आग्रह किया है, जिनकी स्वीकृति मुझे प्राप्त है, उसमें आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विजय साय जी, हैदर सिंह कंसाना जी, संपत्ति अविके जी और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री लखन पटेल जी रहेंगे, और हम और राधा सिंह जी उस पर उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में GIZ एक जर्मन संस्था है, जिसका भारत सरकार से समन्वय है, जो पंचायती राज पर और ग्रामीण विकास पर वो काम करने के लिए मैंडेट उसके पास है, वो इसकी सहयोगी संस्था है। दूसरे दिन जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पूरे दिन भर के लिए इस गोष्ठी में शामिल करने का फैसला हुआ है, जिसमें हमारे कुछ मंत्रीगण और पहले दिन जिन मंत्रियों को हमने आमंत्रित किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनकी रिपोर्ट्स को दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्मेलन में हम प्रस्तुत करेंगे। और तीसरे दिन राज्य के सभी जिला पंचायत सदस्यों को बुलाकर इस कार्यक्रम का समापन होगा। जो चीज़ मुझे लगती है कि आपके ध्यान में आनी चाहिए, वैसे मुझे लगता है कि आ गई होगी, कि सबसे पहले तो शहरी क्षेत्र के आसपास जो भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जिसको महानगर के चारों तरफ प्लानिंग एरिया माना जाता है, और किसी भी शहर के विस्तार का मुख्य आधार यही ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन वहां पर भी कभी शहरीकरण की दृष्टि से जो प्राथमिक चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती। और ये जो पहला ग्रुप है उसमें शहरी विकास मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय इसकी अध्यक्षता करेंगे उद्घाटन सत्र के बाद, जिसमें महानगरों से लगे हुए जिले, उनके जनपद सीईओ, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वहां के जनपद के सीईओ, जिन क्षेत्रों में वो पंचायतें आती है, और चुनिंदा सरपंचों को भी हमने इस गोष्ठी में बुलाया है कि ये जो ग्रुप होगा ये डिस्कशन करेगा, और हमारा जो नोडल ऑफिसर होंगे उन नोडल ऑफिसर के भी हमने नाम इसमें लिखे हैं जो आपको उपलब्ध होंगे। इस चर्चा के बाद कि हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस ग्रुप का ये काम होगा। तो अर्ध शहरी
परिस्थितियों में रहने वाले गांव के लोग जिनकी चुनौतियां हैं, और मैं ये मानता हूं कि शहर का विकास जब होता है तो चाहे उसका कचरा हो, चाहे उसका गंदा पानी हो, या उसका कार्बनाइजेशन हो, वो सब इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो इस फार्मेट को सुनिश्चित करना है, और वहाँ पर मनरेगा जैसे मजदूरों की उपलब्धता नहीं होती है, बेस ज़्यादा होता है शहर में, तो इस इन परिस्थितियों के लिए वित्तीय प्रावधानों में जो संशोधन करने हैं, इस ग्रुप का ये उद्देश्य होगा। जो रिपोर्ट आएगी हम उसको 3 माह बाद फिर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई करेंगे। दूसरा ग्रुप है कि जो हमारी केंद्र से मिलने वाली राशि है, चाहे वो 15वां वित्त हो राज्य की, चाहे 5वां वित्त हो, मनरेगा की राशि हो, क्योंकि टाइड और अनटाइड की चर्चा बहुत होती है, लेकिन मैं जल जीवन का मंत्री भी रहा हूँ, स्वच्छता का मंत्री भी रहा हूँ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट गांव में बड़ी चुनौती के साथ हमारे सामने आएगा, इसलिए जल जीवन मिशन, स्वच्छता, प्रधानमंत्री सड़क, केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं हैं मनरेगा को छोड़कर हमने सब इस ग्रुप में रखी हैं। और इसमें जल यहाँ के जो पीएचई मिनिस्टर है माननीय श्रीमती संपतिया विके जी, वो इस ग्रुप का की अध्यक्षता करेंगी और इस पर डिस्कशन होगा। तीसरा है कि जो भी हमारे ट्राइबल ब्लॉक है, पर अभी पेशा कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद कमोबेश ब्लॉक आ गए, लेकिन कुछ ब्लॉक उसमें छूटे हुए। तीसरे कुछ नोटिफाइड एरिया हैं जो जंग वन विभाग से लगे हुए हैं, कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, उससे लगी हुई पंचायतें हैं। इन तीनों के मैंडेट प्राय एक है, लेकिन उनके काम करने के जो सिस्टम है वो अलग अलग है। सीओ हम अपॉइंट करते हैं, हम भी पैसा देते हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी देती है, पेशा कानून के तहत उनको अधिकार मिल गए हैं, तो इनमें समन्वय बनाने के लिए हमने इस ग्रुप के बारे में तय किया है, और माननीय विजय साय जी इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे। बाद में ई पंचायत की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं, और इस समूह की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.